दिव्य सज्जनों, आप सभी दर्शकों का AstroEdify पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे सातवें भाव के बारे में और इसके अंतर्गत सारे आने वाले व्यवसाय और क्षेत्रों के बारे में। और ये जानेंगे कि यदि आपकी कुंडली में सातवां भाव, यदि वो भाव है जो कि आपके व्यवसाय को निर्धारित कर रहा है, तो आपके लिए सबसे उत्तम क्षेत्र, सबसे अच्छा करियर ऑप्शंस और प्रोफेशंस कौन से हो सकते हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा सफलता और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है करियर के ऊपर। इसमें हम जान रहे हैं व्यवसायों के बारे में और आसानी से आप कैसे अपनी कुंडली से जान सके कि आपके लिए सबसे अच्छा और उत्तम व्यवसाय कौन सा हो सकता है। इसके चार हिस्से हैं जिसमें से दो हिस्से हम पूरे कर चुके हैं, ग्रहों के द्वारा व्यवसाय और राशियों के द्वारा व्यवसाय, और तीसरा हिस्सा हमारा जारी है जिसमें हम जान रहे हैं भाव के द्वारा व्यवसाय। आखिरी हिस्से में हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों के द्वारा व्यवसाय के ऊपर और यह जानेंगे कि कैसे एक कुंडली से आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए सबसे उत्तम व्यवसाय कौन सा हो सकता है, सबसे अच्छा करियर ऑप्शन और प्रोफेशन कौन सा हो सकता है। तो यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखें और ये आसानी से जान सकें कि कौन सी राशि, कौन सा ग्रह और कौन सा भाव कौन कौन से व्यवसायों को संबोधित करता है, और कौन सी राशि, कौन सा ग्रह और कौन सा भाव आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके करियर को, आपके व्यवसाय को दिशा देने के लिए। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं सातवें भाव के बारे में। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि आपकी कुंडली में कैसे आप ये जानें, कैसे उस भाव को ज्ञात करें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपके व्यवसाय को निर्धारित कर रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो पे जाएं, उसमें लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें और उसमें मैंने तरीका समझाया हुआ है, बहुत ही सरल भाषा में मेथड समझाया है जिससे कि आप अपनी कुंडली से निकाल सकते हैं वो भाव जो कि आपके व्यवसाय को निर्धारित करता है। तो चर्चा को आरंभ करते हैं, सातवें भाव के बारे में जानते हैं। सातवां भाव होता क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं। सातवां भाव एक केंद्र भाव है और सातवां भाव, सबसे पहले जब हम सातवें भाव की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि सातवां भाव विवाह का भाव है, सातवां भाव जो है जीवन साथी का भाव है, तो दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो सातवां भाव इन चीज़ों को तो दर्शाता ही है। साथ में सातवां भाव होता है व्यापार का भाव, हर प्रकार का व्यापार, हर प्रकार का बिजनेस सातवां भाव से संबोधित किया जाता है। यदि सातवां भाव कमज़ोर है तो कोई व्यक्ति बिजनेस में, व्यापार में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकता यदि सातवां भाव कमज़ोर है तो। उसके बाद सातवां भाव दर्शाता है आपकी जो दूसरे अन्य लोगों के सामने, समाज के सामने जो छवि है आपकी खुद की, वो सातवां भाव दर्शाता है। क्योंकि पहला भाव क्या है, सातवां भाव जो होता है वो पहले भाव के जस्ट सामने, बिल्कुल सामने की ओर होता है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे, जस्ट ऑपोजिट जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल सामने होता है। तो पहला भाव होता है आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की इमेज। जब आप उसको दूसरे के सामने, समाज के सामने अपनी छवि को रखते हैं तो वहां सातवां भाव आ जाता है। क्योंकि सातवां भाव क्या है, आपकी छवि, आपकी पब्लिक इमेज, आप जो दूसरों के सामने अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसी भाव भंगिमा है आपकी, वो सातवें भाव से दर्शाई जाती है। इसलिए सातवां भाव इस आपकी पब्लिक इमेज को दर्शाता है, आपके रिलेशंस समाज में उन लोगों से, दूसरे लोगों से कैसे हैं, वो सातवें भाव से दर्शाए जाते हैं। सातवां भाव होता है, सातवां भाव आपकी कामुकता को भी दर्शाता है जिसे हम सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल डिज़ायर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सातवां भाव संबोधित करता है। तो आप जानते हैं उन सारे व्यवसायों के बारे में, सारे करियर और प्रोफेशंस के बारे में जो कि सातवें भाव से संबोधित किए जाते हैं। और यदि सातवां भाव आपकी कुंडली में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भावों में से एक है जो कि आपके व्यवसाय को निर्धारित कर रहा है, तो आपके लिए सबसे अच्छे और उत्तम व्यवसाय कौन से हो सकते हैं उनके बारे में अब जानते हैं। सबसे पहले आते हैं जितने भी प्रकार के व्यापार हैं वो सबसे पहले सातवें भाव के अंतर्गत आते हैं। यदि सातवां भाव कमज़ोर होगा तो व्यापार कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, परेशानी भरा हो जाता है। इसलिए सातवां भाव व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कैसा भी व्यापार क्यों ना हो। जितने भी आपके लोग अकेले व्यापार करते हैं या कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, साझेदारी में बिजनेस कर रहा है, कानूनी हिस्सेदारी है उनकी,
तो वो भी सातवें भाव से दर्शाई जाती है। लीगल पार्टनरशिप जिसे बोलते हैं वो सातवें भाव के अंतर्गत आते हैं। सातवां भाव विदेशी व्यापार को भी दर्शाता है, पर विदेशी व्यापार देखने के लिए बारहवें भाव का प्रभाव होना अनिवार्य है। यदि बारहवां भाव का प्रभाव नहीं है तो विदेश संबंधित या विदेशी वस्तुओं का व्यापार नहीं हो सकता। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार जो लोग करते हैं, जैसे कि हमारी MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, उनको जो लोग चला रहे हैं, ना कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो लोग उसमें कार्यरत हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे, जो लोग उसे चला रहे हैं, जिन लोगों ने उनकी स्थापना की है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यदि कोई व्यापार कर रहा है तो वो भी सातवें भाव से संबोधित किया जाता है। फिर सातवां भाव होता है, जैसा कि हमने कहा, आपकी छवि जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, तो सातवां भाव हर उस माध्यम को संबोधित करता है जिससे आप अपनी छवि दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे सारे क्षेत्र जो कि इसके अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हर प्रकार का कला क्षेत्र, कला के माध्यम से आप अपने व्यवहार को, आप अपने विचारों को दूसरों के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए हर प्रकार की कला सातवें भाव के अंतर्गत आती है। कला हो गई, अभिनय हो गया, एक्टिंग जिसे हम बोलते हैं, सिनेमा का क्षेत्र है, फैशन है, फिल्म्स है, जितना भी सेल्यूलॉइड वर्ल्ड है, ग्लैमर इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, वो सातवें भाव के अंतर्गत आती है। और अन्य कोई भी सृजनात्मक कला जो कि जिसे हम क्रिएटिव आर्ट्स भी बोलते हैं, वो इसके अंतर्गत आती है। हर प्रकार की फाइन आर्ट इसके अंतर्गत आएगी सातवें भाव के अंतर्गत, क्योंकि सातवां भाव आपकी छवि को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और जो कलाकार होते हैं उनका काम ही यही होता है, अपने विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत करना। तो ये सारे जो व्यवसाय हैं वो सातवें भाव के अंतर्गत आते हैं। फिर सातवां भाव जैसा कि दाम्पत्य जीवन का भाव है, तो कोई भी व्यवसाय जो कि विवाहों से जुड़ा है, शादियों से जुड़ा है, वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि जो लोग शादियों के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, जैसे कि वेडिंग प्लानर्स होते हैं आजकल, वो सातवें भाव से संबोधित किए जाते हैं। फिर सातवां भाव होता है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को भी संबोधित करता है, कि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपनी वस्तु को कैसे समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो मार्केटिंग है। तो हर प्रकार का जो एक वे है, एक तरीका है लोगों के सामने अपने चीज़ को पहुंचाने का, वो सातवें भाव से संबोधित किया जाता है। तो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग इसके अंतर्गत आती है। जो लोग भी टीवी पे रिपोर्टर्स होते हैं, रिपोर्टर्स की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर जो टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं सातवें भाव के अंतर्गत। सातवें भाव का मजबूत होना अनिवार्य है यदि इन व्यवसायों में व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। इसके बाद सातवां भाव पर्यटन को भी दर्शाता है, टूरिज्म और ट्रैवल को। तो जितनी प्रकार की टूरिज्म या ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है, पर्यटन संस्थाएं हैं, वो भी सातवें भाव के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हर भाव का, हर चीज का इस सृष्टि में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पहलू होता है। इसलिए कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो कि इसके नकारात्मक पहलू में आते हैं। हालांकि वो हैं इस सृष्टि में, पर फिर भी हम जानते हैं कि कौन कौन से वो व्यवसाय हैं जो नकारात्मक पहलू की यदि हम बात करें सातवें भाव की, तो इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आती है वैश्यावृत्ति, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन जिसे हम बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन हो गया या अडल्ट्री हो गई, जो भी ऐसा कोई व्यवसाय है वो इसके अंतर्गत आता है। क्योंकि सातवां भाव आपकी कामुकता को दर्शाता है, सेक्सुअल डिज़ायर को दर्शाता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपनी छवि समाज के सामने अपनी कामुकता के जरिए प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, तो वो इस पहलू में, नकारात्मक पहलू में आ जाते हैं, जो कि प्रोस्टिट्यूशन है जिसे हम बोलते हैं, जिसे वैश्यावृत्ति बोलते हैं। तो ऐसे भी हर प्रकार के जो है व्यवसाय होते हैं, भले ही वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये थे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय। पर हाँ, फिर से ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई व्यवसाय आप देख रहे हैं,
तो आपको उसके अन्य जो युतियां बन रही हैं कुंडली में वो भी देखनी अनिवार्य है। यदि आप कंजंक्शंस नहीं देख रहे हैं, दूसरे प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स नहीं देख रहे हैं, तब तक आप किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो सिर्फ ये कह देना कि सातवें भाव का जो है प्रभाव है इसलिए मैं इस क्षेत्र में चला जाऊंगा, तो ये गलत होगा। इसलिए आप सारे निष्कर्षों को मिलाकर देखें, और सारे निष्कर्ष होंगे राशि द्वारा, ग्रह द्वारा, भाव द्वारा और नक्षत्र के द्वारा। जब चारों को सम्मिलित करके एकजुट होकर देखेंगे तब आपको आसानी से ज्ञात हो सकेगा कि कौन सा वो सबसे उत्तम श्रेणी का व्यवसाय है जिसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जिसमें वो कौन सा करियर है जो और कौन सा प्रोफेशन है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये थे वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कोई भी प्रश्न या कोई भी डाउट ज्योतिष से संबंधित पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल करें, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आठवें भाव के बारे में और आठवें भाव के अंतर्गत आने वाले सभी व्यवसायों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार और धन्यवाद।